हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी रसोई में। आज हम अपनी रसोई में बनाने जा रहे हैं सबकी फेवरेट दाल मखनी। आज हम इसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इस मेथड से ये बहुत ही डिलीशियस और परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अगर आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपकी दाल मखनी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी और आप रेस्टोरेंट की दाल मखनी भूलकर इसे घर पर ही बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी बनाना शुरू करते हैं। दाल मखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ ली है 1 कप साबुत उड़द दाल और इसी के साथ लिया है आधा कप राजमा। हमें सफ़ेद वाला राजमा लेना है, ये दाल मखनी को बाइंडिंग और टेक्सचर देगा। हम दाल और राजमा को एक बड़े बर्तन में डालेंगे और इसे 3 से 4 बार अच्छे से हाथों से रगड़ रगड़ कर धोएंगे। ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप दाल को अच्छे से नहीं धोएंगे तो दाल आपकी काली काली सी बनेगी। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, इसे इसी तरह रगड़ कर आप धोएं। उड़द दाल में जो काला छिलका होता है इसमें मैल बहुत होती है और सारी पॉलिश भी दाल की इसी तरह से हट जाएगी। और ये देखिए बिल्कुल काला सा हो गया है पानी, इसे निकाल देंगे और 2 से 3 बार दाल को धो लेंगे। ये काम आपको दाल को भिगोने के बाद नहीं करना है। अगर आप भिगोने के बाद इसे रगड़ेंगे तो दाल का जो काला छिलका है वो उतर जाएगा। इसी तरह बहुत ही अच्छी बनेगी, बिल्कुल होटल स्टाइल। होटल में भी बिल्कुल इसी तरह से अच्छे से साफ़ करके दाल बनाते हैं। अब इसमें पानी डालकर 5 से 7 घंटे भिगोकर फूलने के लिए रख देंगे। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। यहाँ लगभग 5 घंटे हो गए हैं दाल को भीगते हुए और हमारी दाल पानी में फूलकर डबल हो गई है। अब इसका पानी निकाल देंगे और इस पानी का यूज़ हम दोबारा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब दाल और राजमा को कुकर में डाल देंगे और इसमें उबलने के लिए पानी डालेंगे। पानी हम इस तरह से डालेंगे कि दाल पानी में पूरी तरह से डूब जाए और थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे पानी। अब कुकर को गैस पे चढ़ाएंगे और गैस को ऑन कर देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच देसी घी या तेल। अब हम घी और नमक को अच्छे से दाल में मिक्स कर देंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर 4 से 5 सीटी आने तक पकाएंगे। यहाँ लगभग 4 से 5 सीटी आ गई है, गैस की प्रेशर निकल गई है। अब ढक्कन खोलकर दाल को चेक कर लेते हैं। ये देखिए दाल हमारी बढ़िया से पक गई है। अब दाल मखनी बनाने के आगे के प्रोसेस को शुरू करते हैं। इसके लिए हम ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 8 से 10 कलियाँ लहसुन की ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 हरी मिर्च, 3 टमाटर लिए हैं। प्याज को हमने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है। अब मिक्सी जार में अदरक हरी मिर्च को रफली चॉप करेंगे और लहसुन को डालकर मिक्सी में पीस लेंगे। अब अदरक लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से पिस गई है। अब इसी जार में हम टमाटर को डालकर प्यूरी बना लेंगे। टमाटर की प्यूरी बनकर भी तैयार है। अब हम एक कढ़ाई में डालेंगे 3 से 4 चम्मच भरकर देसी घी। घी जब गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा जब हल्का सा लाल हो जाए तो इसमें खड़े मसाले डाल देंगे। खड़े मसालों में मैंने यहाँ 2 तेज़पत्ता लिया है, 4 हरी इलायची ली है, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 4 से 5 लौंग और 4 से 5 ही काली मिर्च ली है। अब इसी में डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट हमने बनाकर तैयार किया था। अब सभी को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसे हमने लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसी में बारीक चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे और प्याज को सभी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब प्याज का हल्का सा गोल्डन कलर हो गया है। अब इसमें बाकी मसाले डाल देंगे। इसमें डालेंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इससे सब्जी में कलर बहुत बढ़िया आता है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अच्छे से सभी को मिक्स कर देंगे।
प्याज के साथ हमारे सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें डाल देंगे टमाटर प्यूरी, जिसे हमने मिक्सी में पीस कर तैयार किया है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए ग्रेवी के घी छोड़ने तक अच्छे से भून लेंगे। अब कुकिंग प्रोसेस को और भी फास्ट करने के लिए इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। याद रखिएगा, हमने दाल को उबालते टाइम भी नमक डाला था, तो यहाँ हम नमक कम ही डालेंगे। अब अच्छे से ग्रेवी को भून लेंगे जब तक हमारी ग्रेवी घी ना छोड़ दे। हमारी ग्रेवी ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसमें डाल देंगे एक चम्मच गरम मसाला और मसाले को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। यह हमारा मसाला अच्छे से भुनकर तैयार है। अब इसमें जो दाल हमने पका कर रखी थी उसे डाल देंगे और अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। दाल हमारी गाढ़ी है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा पानी, लगभग आधा ग्लास के करीब। लेकिन याद रखिएगा, हमें गर्म पानी ही डालना है, ठंडा पानी हमें यहाँ नहीं डालना है। कुकिंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखेगा गर्म पानी। और इसमें डाल देंगे एक चम्मच कसूरी मेथी। अब अच्छे से सब्जी के साथ कसूरी मेथी को मिक्स कर देंगे। अब हम लगातार एक उबाल आने तक इसे पकाएंगे। यहाँ पर दाल आपको कितनी पतली रखनी है, कितनी गाढ़ी रखनी है, रोटी चावल जिसके साथ भी खानी है, उसी हिसाब से आप पानी डालकर सेट कर सकते हैं। अब हमारी दाल में एक अच्छा सा उबाल आ गया है, और दाल मखनी को अब और भी बढ़िया क्रीमी फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ डालूंगी 2 चम्मच भरकर फ्रेश क्रीम। आपके पास क्रीम की सुविधा ना हो तो आप दूध की मलाई को बढ़िया से फेंट लें और दाल मखनी में डाल दें। मैं आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बता रही हूँ, इसलिए क्रीम डाल रही हूँ। अब क्रीम को अच्छे से दाल के साथ मिक्स कर देंगे। क्रीम डालने से हमारी दाल में क्रीमी सा टेक्सचर आएगा और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी दाल मखनी बनकर तैयार होगी। याद रखिएगा, जब भी आप क्रीम डालें तो लो फ्लेम पर डालें। अब अच्छे से दाल के साथ मिक्स कर देंगे, और ये देखिए हमारी दाल मखनी बिल्कुल बनकर तैयार है। बिल्कुल होटल स्टाइल दाल मखनी बनाने के लिए इसका हम सीक्रेट तड़का तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ एक तड़का पैन लिया है, इसमें 2 चम्मच घी डाल दिया है। अब इसमें 1 चम्मच भरकर हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा दाल मखनी में कलर आएगा। अब इस तड़के को दाल मखनी के ऊपर डालेंगे और अच्छे से दाल में मिक्स कर देंगे। हम यहाँ पे दाल मखनी बना रहे हैं तो मक्खन डालना तो बिल्कुल बनता है। मैं यहाँ पे 2 क्यूब मक्खन के डाल रही हूँ और इसे अच्छे से दाल के साथ मिक्स कर देंगे। और ये देखिए, बिल्कुल होटल स्टाइल हमारी दाल मखनी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी और परफेक्ट टेक्सचर और कलर के साथ हमारी दाल मखनी बनकर बिल्कुल रेडी है। बस अपनी होटल स्टाइल दाल मखनी को ऊपर से थोड़ा सा क्रीम डालकर करेंगे गार्निश, और हमारी दाल मखनी सर्व करने के लिए रेडी है। वैसे तो आपने बहुत से दाल मखनी के वीडियो देखे होंगे, लेकिन एक बार आप मेरे स्टाइल से दाल मखनी बनाकर देखिए, आपकी दाल मखनी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी दाल मखनी की रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।